समाजवादी पार्टी राज्यसभा पाई नामांकन भरी कपिल सिब्बल नामांकन दाखल समय समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव को उपस्थित थिले एवं पूर्वतन केन्द्रमंत्री कपिल सिब्बल कहते मे 16 तारीख रु से कांग्रेस छाड़ सारी जदि से विधिवत भाव समाजवादी पार्टी जोग देना तेरे समाजवादी पार्टी समर्थन में से राज्यसभा पाई नामांकन भरी स्वाधीन प्रार्थी भाव से नामांकन भरी समाजवादी पार्टी राज्यसभा पाई नामांकन भरी कपिल सिब्बल मैं यहाँ जो नॉमिनेशन फॉर्म जो मैंने भरा है वो निर्दलीय क्या भरा है निर्दलीय का भरा है इंडिपेंडेंट का भरा है और मैं आभारी हूँ अखिलेश जी का कि उन्होंने मेरा समर्थन दिया है एज एन इंडिपेंडेंट आई विल बी गोइंग टू द राज्यसभा आफ्टर स्क्रूटनी एंड एवरीथिंग इज इन ऑर्डर आई एम डीपली ग्रेटफुल टू अखिलेश जी आई ऑल्सो wish to convey my gratitude to Azam Khan for the support that he has given me not just now but over several years I am happy that I will be a member of the Rajya Sabha once the nomination form is cleared and the scrutiny is done as an independent member I have always wanted to be an independent voice in this country and I am glad that Akhilesh ji understands why that is so I think that we are all constrained by the fact that we are members of political parties and we have to therefore abide by the discipline of those parties but I think it is important to be an independent voice aur main samajhta hu ki jab ek nirdaliye ki awaaz uthegi to wo logon ko phir ऐसा लगेगा कि किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं हम देखिए हम विपक्ष में रह के हम एक गठबंधन बनाना चाहते हैं सभी का गठबंधन ताकि हम मोदी सरकार का विरोध करें हम चाहते हैं कि 2024 में एक ऐसा माहौल बने हिंदुस्तान में कि मोदी सरकार की जो खामियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाएं और हम इसका प्रयास करेंगे मैं खुद इसमें अपना इसका प्रयास करूँगा तेरे ए संपर्क अधिक आलोचना पर आम नूआदिल्ली प्रतिनिधि गगन विश्वाल जोड़े सारी गगन जे देखा जे गोटे आभास मिलूँ जे समाजवादी पार्टी ही सामिल हे विधिवत भाव जमी कौन वर्तमान पर्यंत विधिवत भाव से जॉइन करना किंतु यहाँ गोटे सूचना जे प्रकृत में कांग्रेस को कपिल झटका लगी समाजवादी पार्टी वर्तमान सामिल होगापी जा विधिवत भाव देख निश्चित भाव जेहेतु उत्तर प्रदेश रु वर्तमान राज्यसभा सीट पाई सी निजर प्रार्थीपत्र दाखल करेंगे निश्चित भाव देखते बर्तमान कौटना कौटि गोटे से उत्तर प्रदेश में कौटना कौटि जो समाजवादी पार्टी वर्तमान लीडरशिप रही जेहेतु अखिलेश यादव निजे विथड्र कर विधानसभा रही मन बल तेणु समाजवादी पार्टी को राज्यसभा जड़े से लिडर आवश्यकता थी जी कि राज्यर लिडिंग ना सहित सेंटर को टारगेट कर कपिल सिब्बल भली दक्ष एवं पुराणा पुरुखा नेता बाछी वर्तमान सपोर्ट देखते निश्चित भाव जो भाई भाव में प्रतिक्रिया देखिए कांग्रेस जो भाई भाव जो कहला G23 जो तर रही सदस्य रही जो मैंने अनेक थर कांग्रेस एग्नेस्ट बैठक करेस को किभ भाव सपोर्ट दि जापर कांग्रेस को सशक्त कराईपर से नहीं अनेक थर आलोचना किंतु तार फल उल्टा मिली कपिल सिब्बल को निंदित हाँ पड़ी पार्टी वर्कर मैंने कार्यकलाप को पसंद कर नथिले हुए तो सेथिपाई से वर्तमान समाजवादी पार्टी सहित समर्थन में राज्यसभा को जीवापाई इच्छा करमर्थन लोड़ी निश्चित भाव यार दुईट उद्देश्य हो पाए समाजवादी पार्टी बड़ उद्देश्य हो पाए राज्यसभा बड़ फेस आवश्यक था हूं तो से बाछीपारती कहीं अखिलेश यादव जेहेतु विथड्र कर वर्तमान विधानसभा रही तेणु तुम विधानसभा उपरे से फोकस करेंगे हूं तो से कपिल सिब्बल भाई नेतृत्व को चयन करते कि कपिल सिब्बल जेहेतु से कहले जे कांग्रेस वर्तमान मुझे ना कांग्रेस जेहेतु मो डायरेक्टली रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होनी कि अलरेडी पार्टी छाड़ छाड़ी और जेहेतु से सीधा सड़क समाजवादी पार्टी समर्थन में जाऊँच निश्चित गोटे बड़ मेसेज भी कहुपे और कांग्रेस को बड़ झटका भी कहुपे कहीं भाई नेतृत्व कहीं अनेक केस्रे देखिए सुप्रीमकोर्ट में से कांग्रेस ढाई अनेक
केस राति अधिया हियरिंग से छिड़ाई तो निश्चित भाव ये समाजवादी पार्टी गड़ स्ट्रंग हे उत्तर प्रदेश में कितु अंपटे कंग्रेस गड़ खाली हाँ जाऊँगी खास कर देखिए जो भी ढंग से आमेठ हो रायबरेली हो कंग्रेस जो गड़गुड़ी थिला उत्तर प्रदेश में सीटी अलरेडी कोलाप्स होती राहुल गांधी निदे निर्वाचन हारे से केरला वायनाड्रु निर्वाचन लड़िया को पड़ा तेणु गोटे समीकरण बर्तमान बनवाक जाऊँ केसीआर जो हे तो लिडिंग नौ हे तो आगामी दिन में समाजवादी पार्टी सामिल हो पाए भिन्न उद्देश्य हो पाए कि उद्देश्य कौन रही है और कपिल सिब्बल के एजेंडा नहीं कि राज्यसभा जाऊँ हे तो परवर्ती पर्याय ये चित्र स्पष्ट हो पाए कि समाजवादी समर्थन जेहेतु मिली हूँ तो कंग्रेस सहित जेहतु गठबंधन ना उत्तर प्रदेश बर्तमान हे तो कंग्रेस यहाँ पसंद न करे कमलाकांत यहाँ आरंभ कि कारण जमी आप कहते बहु वरिष्ठ नेता रही खास करके 20-25 जन नेता रही कंग्रेस जो मैंने कि स्वर उठाऊ कपिल सिब्बल भी ताभर जड़े थे तो ये गोटे आरंभ कहीपर कि कंग्रेस रे जो असंतुष्ट नेता वरिष्ठ मान रही गोटे पर गोटे यही किसी स्थित देखापे मिल आग को देखो बर्तमान पर्यंत कमलाकांत देखिए जो 23 जन नेता थे से बर्तमान कौन पोजिशन प्रायत 90% कौन पोजिशन ना कंग्रेस स्पोक्स पर्सन हूँ संपादक हूँ जनरल सेक्रेटरी हूँ सीडब्ल्यूसी मेंबर हूँ कथा कहतु गुलाम नबी आजाद कथा कहतु कपिल सिब्बल कथा कहतु जो मैंने कंग्रेस पूर्वतन मंत्री थे कंग्रेस किए गुलाम नबी आजाद मुख्यमंत्री थे जम्मू काश्मीर से भाई जो नेतृत्व थे जो मैंने कि कौटना कौटी गांधी परिवार एग्निस्ट विद्रोह स्वर साणित करते से कौन पोजिशन ना दल भितर अच्छा सत कि कौन सांगठनिक पद पदवी से हूँ तो आगामी दिन में जेहेतु बर्तमान जो चिंतन शिविर है अधिकांश नेता देखा मिल ना जेहेतु से कौन संगठन दायित्व नथिले बा ऑफिसर ऑफिस बेयरर दायित्व नथिले हुए तो से देखा मिल ना निश्चित भाव ये कहुई पारे कंग्रेस जी घर सजाड़ा एवठू न हो तो आगामी दिन में अनेक नेता छाड़ी पारती गगन यहाँ कंग्रेस गोटे सतर्क घंटी कहले भूल बहुत बहुत धन्यवाद गगन विश्वाल रही है आम नुआ दिल्ली प्रतिनिधि अधिक अपडेट देते हैं।